पानी आया गया है और पानी का निकास नहीं है। बस लोग चाहते हैं सिर्फ पानी का निकास हो जाए और जो हमारी जो भरपाई है ये दो तीन दिन की जो पानी ने खराब की आगे हमको मिल जाए बस इतनी। हम लोग तो अब सभी निराश हों तो नगर परिषद वालों ने आपके प्रशासन हमारे पास आया ही नहीं है। अभी हम खुद आए हैं उनके पास कुछ निकास के लिए कोई करो आप। हमारा 24,000 रुपये का किराया 3 दुकानों का माल का अभी तक 25,000 रुपये की बिक्री नहीं हुई सब तो होगा आप वो तो अगर ऊपर वाले से तो ये भी नहीं कर पाएंगे कुछ अपन भी कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी तो है ही है लेकिन इनकी थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी तो हम लोग हो जाएंगे सही। अभी तक तो निराशा ही है आगे ऊपर वाले की इच्छा। अब 4 दिन तो हो ही गए अब 6 दिन बचे हम ये चाहते जो हमारे ये जो 3 दिन ये खराब हुए आगे हमको इनकी डेट मिल जाएगी भाई आगे हम आपको 3 दिन मेला बढ़ा देंगे तो हमारा कुछ उद्धारण हो जाएगा बाकी कुछ नहीं। नीचे इतना पानी है कुछ पूछो ही मत। बिल्कुल सभी ने जिसके पास जो साधन था वैसा बैठा क्योंकि 50,000 की तिरपाल भी डलेगी तो भी पानी रुकेगा यहाँ पर ढलाल नहीं बनेगी। ये देखो भाई साहब ये देखो आँख में आंसू आ जाएंगे। ये देखो उधार मांग के पैसे लाए थे पहले पैसे देने के। ये देखो जो क्या हाल हो रहा है ये देखो सब खत्म हो गया कहानी हमारी खत्म हो गई। बुरा हाल है भाई साहब आंख में आंसू नहीं रुके। ये वाला माल सारा खराब हो गया कोई लेडीज नहीं खरीद रही। दिल्ली से रेडीमेड की सर ये दुकान तो हमको 10,000 रुपये की दी है एक दुकान ओनर की और नुकसान हमारा कम से कम माना करके 1,00,000 रुपये के आसपास हो गया। खराब हो गया गीला हो गया रेडीमेड की बोलन गई हमारा सारा माल गीला हुआ है। फैसिलिटी हमारे को दी नहीं है इन्होंने खाली पर्दे लगा के दिए बस और कुछ नहीं है। एंट्री फटा हुआ है सारे पर्दे फटे हुए हैं नुकसान हो रहा है हमारा तो ये पूरा पानी भरा पड़ा पूरी दुकान में पानी घुस रहा है। बनाओ वीडियो बनाओ ये देखो कोई सुविधा नहीं है आधा बंदा चल ही नहीं सकता। देखो भाई साहब हमारा सारा माल खराब हो गया सारा पूरा नीचे रखा हुआ था हमने सारा खराब हो गया यहाँ पे डमियाँ वगैरह सब टूट गई है बाकी पूरा माल खराब है हमारा।